राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा
वन जा Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama.
अपनों नहीं दूसरी संपत्तियों कहानी नाम महान धन है अपनों नहीं दूसरी संपत्तियों कमानी छोड़ यटारी यटा जग की अमको मिले रसिकों की सदा और पीपन को यमुना जल पानी तुक मिले रसिकों की सदा और पीपन को यमुना जल पानी हमें यौरन की परवाह नहीं अपनी पावन सीता राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो रघुपति राघव राम रघुपति राघव राजा
भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमल चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्टा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंदने कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा एकम पुरुष पुरा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वा शरणं प्रपन्न अग्रे करुणा मथ पांडवाना दुशासने ना हत वस्त्र केश कृष्णात् दाक्रो शदनन्य नाथा गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे पश्चात देश तारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एवं अग्नि नारायण ट्रस्ट के वरिष्ठ भक्त गण दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण वृंदावन की इस व्यासपीठ से आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। क्या है मकर संक्रांति? बड़ा पवित्र पर्व आ रहा है। लगभग हमारे जीवन में 25-50 साल से मकर संक्रांति मना रहे हैं। बड़ी महिमा है मकर संक्रांति की। रोज कुछ ना कुछ, आज तीन वस्तु से परिचित कराऊंगा। मकर संक्रांति जो है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, 12 राशि होती है। आपकी गुजराती वाली राशि नहीं, हो सौराष्ट्रनी राशि नहीं, 12 राशि होती है। कर्क राशि, मकर राशि, मेष राशि, सूर्य की गति के अनुसार। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है अपने आप में भी घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और एक साल में लगभग पूरे सूर्य की परिक्रमा हो जाती है। एक साल समाप्त, सौर्य वर्ष कहते हैं। हमारे पृथ्वी लोक का एक साल समाप्त होता है तब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा समाप्त करती है। ठीक है, आ तमने भूगोल भणावुं छुं। हूँ भले भूगोलमां फेल थयो तो एक साल में एक बार पृथ्वी सूर्य की पूर्ण परिक्रमा करती है। इस पृथ्वी पर एक साल समाप्त होता है, लेकिन देवताओं का एक दिन समाप्त होता है। पृथ्वी पर एक साल, जो देवता का एक दिन है। देवता अब यहां एक साल बीता तो वहां देवता का एक दिन बीता। ठीक है, अर्थात देवता का एक दिन बीता, देवता का एक नया दिन शुरू होगा। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि 12 महीने में देवता का नया दिन हमारे किस महीने से शुरू होता है? देवता का हमारे 12 महीने में देवता का दिन मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। एवरी मकर संक्रांति उत्तरायण जो यहां पर आती है, देवता का ब्रह्म मुहूर्त दिन नया शुरू होता है। सो मकर संक्रांति देवताओं का दिन प्रारंभ होने का समय है, और शायद इसीलिए हमारे देश में मकर संक्रांति के पहले कोई शुभ कार्य नहीं होते। मकर संक्रांति के बाद तुरंत शादी ब्याह जो भी करना है शुरू हो जाता है, क्योंकि देवताओं की रात जब होती है तब शुभ कार्य नहीं करते,
और मकर संक्रांति से देवता का दिन प्रारंभ होता है, हम शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। सो मकर संक्रांति उत्तरायण जो है देवताओं का दिन प्रारंभ होने का समय है। कली पावन अवतार परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु और मकर संक्रांति का मिलन कैसे हुआ, कौन सी घटना घटी? आप सब जानते हैं कि द्वापर के कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में प्रमाणित किया गया, महाभारत ग्रंथ में सीधा सीधा कहा गया और अन्य 100 ग्रंथों में इसका एविडेंस प्रूफ प्रमाण दिया गया कि भगवान कृष्ण ही कलयुग में 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। महाभारत में व्यास मुनि लिखते हैं, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृत शांत निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत, विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। संन्यासकृत का अर्थ होता है संन्यास लेने वाला। विष्णु के असंख्य अवतार, जिन असंख्य अवतारों में संन्यास किस अवतार ने लिया, तो केवल एक ही अवतार पाओगे, श्री चैतन्य महाप्रभु। भागवत में कहा, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। कलयुग में भगवान काले नहीं होंगे, कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, कलयुग के भगवान गोरे होंगे। त्रेता में धनुष बाण उठाया, द्वापर में सुदर्शन धारण किया, लेकिन कलयुग में सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कलयुग में उनके पार्षद ही उनका शस्त्र हुआ करेंगे। और यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग का जो भगवान है वो जनता को सिखाने के लिए स्वयं अपना ही संकीर्तन करेगा, अपना ही कीर्तन। अब ये भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वे संसार के जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक संसार में भटकने वाला जीव मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होगा, तब तक न तो दुखों से मुक्त हो सकता है न सुखी हो सकता है। सुखी होने के लिए ईश्वर के प्रति आमुख होना होगा, और हम लोग अभी माया के प्रति संसार के प्रति आमुख है, ईश्वर के प्रति कोई आसक्ति नहीं। ईश्वर में आसक्ति जगे, प्रेम जगे, आकर्षण जगे, इसलिए भगवान बहुत मेहनत करते हैं। सतयुग में नरसिंह अवतार धारण करते हैं, हिरण्यकश्यपु को फाड़ देते हैं, ऐसी फाइटिंग करते हैं कि भगवान को लगता है कि अब लोग मुझे देखेंगे, मुझे मानेंगे। परशुराम अवतार धारण करके 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करते हैं। वामन अवतार धारण करके 2 कदम में ब्रह्मांड नापते हैं। सुंदर सुंदर लीला पराक्रम करते हैं ताकि जीवों का मन आकर्षण भगवान में लगे। ये सारे अवतार लेकर भगवान ऊपर गए, जाकर देखा कि लीला तो मैंने बहुत की लेकिन किसी का आकर्षण नहीं हो रहा है, अब लगता है मुझे सीधा जाकर बताना होगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, आप लोग मेरा भजन करो नहीं तो दुखी रहोगे। तब द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त जनता को, मानव समाज को कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही सब कुछ हूं। अब तो कृष्ण को विश्वास हो गया कि मैंने भगवत गीता दे दी है, अब लोग उसे पढ़कर अपने जीवन का उद्धार करेंगे। गीता देकर भगवान वैकुंठ गए और ऊपर जाकर नीचे देखे तो भगवत गीता सबके घर पर, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। घर घर में भगवत गीता, पढ़ता कौन है?
अब कृष्ण ने सोचा कि मैं इतने अवतार लेता हूं फिर भी लोग आकर्षित नहीं होते हैं, भगवत गीता दिया फिर भी कोई आकर्षित नहीं हो रहा है। तब कृष्ण ने सोचा कि मैं भगवान बनकर गया, गुरु बनकर गया, ज्ञानी बनकर गया, लेकिन काम नहीं बना। अब एक ही उपाय बचा है कि खुद भक्त बनकर जाऊं, खुद भक्त बनकर जाऊं और अपने आचरण से कैसे भक्ति करनी चाहिए सिखाऊं। तब तक ये लोग नहीं सिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बनेलो समाज बैठे हो, आप सब लोग पढ़े हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर बोर्ड पर लिखती हैं ए फॉर एप्पल। चलो बच्चों अपनी अपनी स्लेट में लिखो ए फॉर एप्पल। अब छोटे बच्चों में और पशु में कोई अंतर नहीं होता, बैठ देखते रहते हैं। तो टीचर कहती है अरे अब स्लेट में लिखो ए फॉर एप्पल, तो देखते रहते हैं। वो बार बार कहती है लिखो लिखो लिखो, और जब बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे नहीं लिखते, तो टीचर क्या करती है, वो अपने स्टेज से नीचे उतर कर उस बच्चे के पास चलकर जाती है। देखिए एक एक पॉइंट समझने लायक है। उस टीचर का बच्चे के पास चल के जाना ये उस टीचर की करुणा है। आप एक बात समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो टीचर है वो चलकर बच्चे के पास जाएगी तो उसकी नौकरी डबल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना कि उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। वो तो अपना काम कर दिया, उसको जो ड्यूटी मिली थी, उसको जो सैलरी मिलती है, ए फॉर एप्पल लिखो, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं। लेकिन अपने स्टेज से, अपने स्टैंडर्ड से अपना समय, अपनी एनर्जी निकालकर उस बच्चे के पास जाना ये उस टीचर की करुणा है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी सदगुरु, साधु संत महात्मा अपने मठ मंदिर छोड़कर किसी गृहस्थी के घर पर जाते हैं ना, तो वो डोनेशन मांगने नहीं जाते, उस गृहस्थी के ऊपर कृपा करने। खैर कलयुग की बात कुछ और है, रिसीव बूट लेकर घूमते ही रहते हैं, लेकिन मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं। कोई संत, कोई साधु यहां वहां लोगों के पास चलकर जाता है तो उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता, एक और मात्र एक हृदय की करुणा होती है। उस करुणा को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको डंके की चोट पर कहूं, ये करुणा मात्र और मात्र इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ही पाएगी, और कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं ये करुणा नहीं मिलेगी। आज एक सगा भाई अपने भाई को 2 मिनट नहीं देता, आज के लोग अपने मां बाप को देने के लिए समय नहीं है, और आजकल के कुछ संत भक्त गण अपना परिवार, काम धंधा, अपना सब कुछ, अपना जीवन बर्बाद पनाह करके जगत में विचरण करते हैं, ये मात्र और मात्र उनकी करुणा है और कुछ नहीं है। और ये करुणा मात्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय में है। आप सुनिए आगे, हम एग्जाम्पल में थे ना कि उस टीचर को करुणा हो ना। अब सारी टीचर ऐसी नहीं होती, अन्य टीचर होगी ना माथा भारे, वो तो पेरेंट्स को बुलाएगी आपके बच्चे में बुद्धि नहीं है, है वो है, बच्चों को सिखाओ समझाओ। लेकिन जिस टीचर के हृदय में करुणा होगी वो अपने स्टेज से नीचे उतर कर कुछ मेहनत परिश्रम करके उस बच्चे के पास जाएगी, उस बच्चे का हाथ पकड़ेगी, उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट में लिखाएगी ए फॉर एप्पल, बेटा अब बस इसी को घसीटते रहो। एग्जाम्पल समझ में आ गया। यही कार्य किया हमारे कृष्ण ने, स्टेज पर खड़े रहकर लीला की, अनेकों प्रकार के अवतार लिए, लेकिन लोग नहीं समझे।
स्वयं कृष्ण धरती पर आए, गीता का ज्ञान दिए, फिर भी लोग नहीं समझे। तो अब एक चारा, एक उपाय बचा था, लोगों के पास चलकर जाए, स्वयं भक्त बनकर, स्वयं भक्ति करके लोगों को सिखाए भक्ति कैसी होती है, भक्ति का सुख आनंद कैसा होता है। और इसीलिए द्वापर युग के कृष्ण इस कलयुग में, क्योंकि दूसरों पर कृपा करुणा करनी थी, और करुणा जो है ना पुरुष के हृदय में थोड़ी कम होती है, माता के हृदय में ज्यादा होती है। कृष्ण ने सोचा मुझे करुणा करनी है और दिल को हृदय को करुणा से भरना है, और इस दुनिया में करुणामयी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी करुणा से भरी हुई, करुणा की साक्षात मूर्ति है। राधा कौन? आप लोग रावल जाकर आए ना, राधा के विषय में पूछा जाए राधा कौन, केवल एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड की करुणा को एकत्रित करो और जो रूप बने, स्वरूप बने, वो है श्रीमती राधा रानी, करुणामय देवी है। और कृष्ण ने सोचा कि मैं राम अवतार में रावण को मारा, कुंभकर्ण खर दूषण आदि को मारा, कृष्ण अवतार में मैंने पूतना अघासुर बकासुर आदि को मारा, लेकिन इस कलयुग में जो अवतार लेना है उसमें किसी को मारना नहीं है, तारना है, करुणा करनी है, और ये करुणा तो मुझ में है नहीं, कोई थोड़ा आगे पीछे हुआ तो सुदर्शन चक्र निकल जाएगा, करुणा चाहिए। कृष्ण ने सोचा कि ये करुणा राधा में है, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी की करुणा को ले लिया, शरीर कृष्ण का लेकिन भाव राधा का, शरीर कृष्ण का है और भाव राधा का ले लिया। अब देखिए कृष्ण का रंग श्याम वर्ण का है, लेकिन राधा का भाव जब लिया ना तो रंग बदल गया। हमारे शरीर का रंग जो है ना हमारे भाव के अनुसार होता है। अभी आप सब लोग यहां बैठे हो, सबका रंग सफेद है, काला ही धोला थे गया है, सब लोग उजले, सबके शरीर से तेज, सबके शरीर से तेज प्रकाश प्रसन्नता निकल रही है। और यहां से बाहर निकले, गाड़ी ड्राइविंग करके जा रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, बहुत अच्छी मर्सिडीज में बैठकर जा रहे हैं, और आगे ट्रक वाला धीरे धीरे चला रहा है, ये हॉर्न मारे वो साइड ना दे, लेट हो रहा है, ये बार बार हॉर्न मारे वो साइड ना दे, ना दे, ना दे, आधे घंटे के बाद कैसे भी करके ओवरटेक करे, और एक दूसरे जो आंखें घूर घूर के सामने देखते हैं ना, फिर ट्रक वाला भी दिल्ली का, वो ब्रेक मारता है, ये भी ब्रेक मारता है, दोनों बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज, हाथा पाई लात, उस समय शरीर का रंग लाल हो जाता है, अभी सफेद है उस समय लाल, क्योंकि शांत है तो सफेद, जब क्रोध आया तो लाल, भाव जैसे बदलते हैं वैसे शरीर का रंग बदलता है। श्याम वर्ण के कृष्ण ने उन्नत उज्जवल श्रीमती राधा रानी के भाव को जब ले लिया तो श्याम वर्ण के कृष्ण गौर बन गए, गौर हो गए, और इस कलयुग में 525 वर्ष पूर्व प्रकट हो गए, और उनका नाम हुआ गौरांग। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप, राधा रानी का भाव, देह कृष्ण का इस कलयुग में प्रकट हुआ। मकर संक्रांति याद रखिएगा, शास्त्रों में वर्णन है कि बचपन में जैसे कृष्ण सुंदर हुआ करते थे, वे कृष्ण तो कृष्ण ही है, लेकिन आप सोचो कृष्ण के साथ राधा की सुंदरता मिल जाए तो कितने सुंदर है। हमारे आचार्यों ने गाया भी है, सुंदर बाला शचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन, सुंदर स्वरूप था, सुंदर सुंदर उनकी लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए, और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे,
मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, संक्षिप्त में इतना ही बताऊं कि वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, कीर्तन करते, बहुत सुंदर बंगाल से यह आयोजन प्रारंभ हुआ उनका। इवन गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी भी इनके यहां पानी भरे, लक्ष्मी से भी अधिक सुंदरता थी विष्णु प्रिया की। ऐसी सुंदर पत्नी, पिता जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो चुकी है, मां शची के आश्रय में श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया। एक घटना घटी, आखिर तो देह कृष्ण का लेकिन भाव तो राधा का है। और राधा रानी के विषय में आप जानते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण एक दिन या दो दिन न मिले तो राधा रानी विह्वल हो जाती है, हा कृष्ण हा कृष्ण, राधा रानी बड़ी पागल सी हो जाती है। अब क्योंकि शरीर कृष्ण का लेकिन भाव राधा का, इसलिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा रानी का भाव आने लगता था तो कृष्ण का विरह सताता था। कि हे कृष्ण हे श्याम सुंदर, आप कब मिलोगे, आप कब दर्शन दोगे। युगायितम निमिषेणम, ये एक निमिष काल कृष्ण आपके विरह में युग के समान लग रहा है। ये विरह की भी एक अपनी अदा है, विरह की भी एक अपनी मजा है। कृष्ण ने इसी ब्रज में अपने भक्तों को विरह सुख दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को विरह होता, वो रोने लगते, वाह गदगदा, वाणी गदगद हो जाती, आंखों से अश्रु की धारा बहती। हम जब रोते हैं ना तो हमारे आंसू हमारे ऊपर गिरते हैं। महाप्रभु को इतना रोना आता था कि आंखों का आंसू पिचकारी की तरह निकलता और सामने खड़े आदमी को भिगो देते थे। नाक से सांस नहीं आग निकलती थी, शरीर तप्त रहता। इस प्रकार के परिवर्तन शरीर में होने लगे, लेकिन जगत के लोग उनको नहीं समझ पाए। अब दुनिया के लोग कहने लगे, ये क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु का अपमान करने लगे, अपराध करने लगे। भक्तों, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, हम और आप क्या चीज है। आप चिंता मत कीजिएगा, फलानी ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, दुनिया ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, हम आप क्या चीज है। आज ये पूरा संसार राम दरबार में जाकर राम और सीता के तख्त पर अपना मस्तक झुकाते हैं, लेकिन इसी समाज ने राम और सीता को अलग किया था। बिचारी बिलख रही थी, रो रही थी, लेकिन समाज ने सीता को वन में भेज दिया। दुनिया है, जब भी आप प्रोग्रेस करोगे तो दुनिया में आपकी निंदा करने वाले आपके दुश्मन बढ़ ही जाएंगे, और ये बढ़े तो समझो कि प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक जा रहे हैं। भगवान भी, भगवान स्वयं इतने उच्च भाव में आए और लोक अपराध करने, इतना अपराध कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि लोग चैतन्य महाप्रभु को पत्थर मारने लगे, थूकने लगे, गालियां देने लगे। भगवान मन में सोचते हैं कि मैं तो आया हूं जीवों का उद्धार करने के लिए, और ये लोग इस प्रकार से मुझे पत्थर मारे, मेरा अपमान करें, तो आया हूं इन लोगों का उद्धार करने के लिए। लेकिन यह, ये लोगों का पतन हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक निर्णय किया। सुना सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई। जब इस प्रकार से भगवान आए थे जीव का उद्धार करने के लिए, और भगवान के ऊपर ही जब दोषारोपण होने लगा,
तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर अपने पर्सनल असिस्टेंट और अपने बड़े भाई बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु को बुलाया। और ध्यान से सुनिएगा, मकर संक्रांति की महिमा आ रही है। शून नित्यानंद स्वरूप गोसा था भांगी बे सबे पांच जन था। हे स्वरूप दामोदर, हे नित्यानंद, ये जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं सबको मत कहना, केवल पांच लोगों को बताना। मैं एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं, सबको मत कहना, केवल पांच लोगों को। स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु कहते हैं पांच जन, लेकिन पांच में कौन है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं, पांच लोगों को ही बताना। तो पूछा, पांच में कौन, किस किस को बताए? चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला नाम किसका लिया, सुनिए। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद, आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद स्वरूप, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं न कह पाऊं, लेकिन ये बात सबसे पहले मेरी जननी को बताना, मेरी मां को बताना। थोड़ी सी भक्ति सीख जाते हैं ना, मां बाप का सुनना छोड़ देते हैं, माँ बाप की सेवा छोड़ देते हैं, और हम अपने आप को बहुत ग्रेट मानने लगते हैं। महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु से ऊंचा भगत कौन हो सकता है? महाप्रभु जानते हैं कि यह देह माता ने दिया है, इस देह पर प्रथम अधिकार मां का है। वैसे माया में फंसकर अज्ञान में आकर हम कह तो देते हैं कि शी इज माई फर्स्ट लव, ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार, और गाना भी गा लेते हैं, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो प्रत्येक जीव का पहला प्यार उनकी मां है। जब किसी का जन्म होता है तो वह बच्चा मां से प्रेम करता है, उसे कुछ भी, कितना भी भोजन दे दो, खिलौने दे दो, लेकिन मां नहीं है तो वह रोने लगेगा। संपूर्ण प्रेम मां में होता है और मां की पूर्ण ममता अपने बेटे में होती है। एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया में जितने भी रिलेशन है सभी संबंधों में स्वार्थ है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं महाप्रभु की बात उसी लाइन में जा रहा हूं। इस दुनिया में सभी संबंध में स्वार्थ है। पति पत्नी का संबंध क्या है? मैं प्रिया प्रियतम नहीं बोल रहा, पति पत्नी का संबंध मात्र और मात्र स्वार्थ। और यदि विश्वास नहीं तो एक महीना सैलरी लेकर मत आना। और आपको विश्वास नहीं तो एक दिन भोजन मत बनाना। स्वार्थ, ये मेरे लिए पैसे कमा रहा है, ये मेरे लिए भोजन बना रही है। जब तक ये स्वार्थ सद रहा है तब तक तो प्रेम है, नहीं तो तू तेरे रास्ते हम हमारे रास्ते। संसार में सभी संबंध में, एक बात कहूं, बाप और बेटे के संबंध में भी कुछ हद तक स्वार्थ है, भाई भाई के संबंध में भी ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के सभी संबंधों में स्वार्थ है। एक संबंध ऐसा है जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो है मां और बेटे का संबंध।
माँ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अमर जननी गदाधर ब्रह्मानंद, क्या शब्द वापरा है, अमर जननी, जो मेरी जननी है, जो मेरी जननी है, जिसने इस देह को जन्म दिया, हम कैसे भूल सकते हैं। 16 माला करने लगते हैं, थोड़ा सा नियम पालन करते हैं, ये माता पिता की कोई जरूरत नहीं, हमारे माता पिता कृष्ण है, परमात्मा है। लेकिन ये जननी ने यदि इस शरीर को जन्म नहीं दिया होता तो क्या माला जप सकते थे? नहीं जप सकते, बहुत बड़ा ऋण है। त्राज वे तोल तोलाय नहीं, त्राज वे तोल तोलाय नहीं, अनता तणे घाट घड़ा ये नहीं, आखा ब्रह्मांड मा मूलवाई बधू, माना हैया ने मूलवाई, आखा ब्रह्मांड मा मूलवाई बधू, माना हैया ने मूलवाई। આપણે ત્યાં એવી કહેવત છે કે કોઈનો બાપ મરજો પણ કોઈની માં ન મરશો, બારખડી વર્ણમાલાના 42 અક્ષરમાં જો માં શબ્દ ન હોય તો એ બારખડી અધૂરી ગણવામાં આવે છે। સૌરાષ્ટ્રના સંત કવિ કાગ તો એવું લખે, ગડપણ આવ્યું હોય, મોતની સાથે યુદ્ધ ચાલતું હોય અને યમરાજના દૂત પ્રાણ ખેંચી રહ્યા હોય, છતાંય એ માના હૃદયમાંથી પ્રાણ ન નીકળતા હોય, આઠેય અંગો ધ્રુજતા હોય, નાડીઓ ખેંચાતી હોય, અને એ સમયે માને કોઈ પૂછે કે તને શેની ચિંતા, તારા પ્રાણ કેમ નથી નીકળતા, ત્યારે માં એટલું જ કહેશે કે મને મારા દીકરાની ચિંતા છે, યે હે માં। જીવન કા બહોત બડા નિર્ણય લેતે સમય ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અપની માં કો યાદ કિયા, ને કેમ ન કરે, આપણે ત્યાં તો કહેવત છે માં તે માં। પાછું આ સિદ્ધાંતમાં મારું વૃંદાવન બોલે, ગુરુ બોલતે હૈ કે ભગવાન, ભગવાનને એસા વિચાર કિયા કે મેં સબકે ઘર પર નહીં પહોંચ પાઉંગા, ભગવાનને સોચા કે મેં મૂર્તિ કે રૂપ મેં તો હું, લેકિન પ્રકટ રૂપ સે મેં સબકે ઘર પર નહીં પહોંચ પાઉંગા, સબકે ઘર પર પહોંચને કે લિયે ભગવાનને માં કા નિર્માણ કિયા, माँ के शरीर से। ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर से मिले नहीं, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं यदि जानना है तो अपनी माँ को देख लीजिए। अमर जननी गदाधर सरू दामोदर ने कहा आपकी पत्नी को बताना है 5 में से कौन, बोले पत्नी को तो बोलना ही मत, मेरी जननी को बता देना,
लेकिन क्या प्रभु, अब पोल तो खोलो, है क्या निर्णय, क्या है आपका? आगे कहते हैं, ये संक्रमण उत्तर आयन दिवसे, ये संक्रमण, संक्रमण माने मकर संक्रांति, ये संक्रमण उत्तरा आयन दिवसे, कहते हैं कि इस मकर संक्रांति के दिन निश्चय चालीब, हाँ बताओ, बोलो क्या है मकर संक्रांति, आगे कुछ बोलो तो सही। मकर संक्रांति के दिन क्या होने वाला है, पार्टी देने वाले, खिलाने पिलाने, करना क्या है आपको, सुनिए मकर संक्रांति की महिमा। महाप्रभु कहते हैं कि कई दिनों से मैं राह देख रहा हूं, लेकिन परसों मकर संक्रांति है और मैंने निश्चय कर लिया है। निश्चय चालीब आमी करीते सन्यासे, सन्यास शब्द सुनकर स्वरूप रामानंद नित्यानंद तीनों मूर्छित होकर गिर गए। 26 वर्ष की उम्र, 18 साल की पत्नी, एक विधवा मां, इन सब को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि मकर संक्रांति के दिन कटुआ में केशव भारती के हाथों से सन्यास ग्रहण करूंगा और घर छोड़कर वन में जाऊंगा, जगत में जाऊंगा जीवों का उद्धार करने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास धारण किया। अब भक्तों के लिए तो विचारणीय विषय है कि भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत, लेकिन भगवान के हृदय में इतनी करुणा है, इतनी कृपा है, उन जीव जो अपराध करते थे उसे मुक्त करने के लिए, और सोचा घर रहूंगा तो उद्धार नहीं कर पाऊंगा, बाहर निकलना होगा और संसार के जीव का उद्धार करने के लिए 26 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और घर छोड़कर किसी को बताए बिना रातों रात घर छोड़कर चले गए। तो मकर संक्रांति की ये महिमा दूसरी है कि मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था। मकर संक्रांति की तीसरी महिमा, आप सब जानते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अपने मां बाप की सेवा करके पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का, जब तक उनकी इच्छा न हो तब तक उनकी मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा वरदान शांतनु महाराज ने दिया। और कथा से परिचित हो, अर्जुन ने भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण मार दिए और कुरुक्षेत्र की भूमि में शरसैया पर सोते रहे लगातार। अब जिसके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हैं उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। कभी कभी होता है ना, इतना कष्ट होता है लगता है कि अब मौत आ जाए तो अच्छा है, इसे तो मरना अच्छा है। पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए थे और कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्जुन ने एक बार जल पिला दिया और उसी से वह वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हुए थे। एक दिन, दो दिन, 30 दिन, 60 दिन, पितामह भीष्म ने 60 दिन तक राह देखा। और जब मकर संक्रांति का दिन आया, उत्तरायण का दिन आया, तो इस मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। उनको देखते देखते लाखों लाख ऋषि मुनियों के बीच में कृष्ण को स्तुति करते हुए मकर संक्रांति के दिन भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर प्रार्थना की। और इस प्रार्थना को करते हुए
अपना प्राण त्याग दिया। मकर संक्रांति जिस दिन भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा, मकर संक्रांति जिस दिन पितामह भीष्म ने भगवान को सुंदर प्रार्थना की थी। पितामह भीष्म की बहुत सुंदर प्रार्थना है, लेकिन आइए, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, भीष्म की अंतिम प्रार्थना हम सुने। और ऐसी मरना हम सबको है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन मरते समय हाय बाप हाय माँ हाय रे हैं, ये सब न बोलते हुए क्या बोलना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए, पितामह भीष्म से सीखिए। क्या कहते पितामह भीष्म मकर संक्रांति के दिन? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनो न्यः प्रसन्नहासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या न कुरुक्षेत्र की भूमि में असंख्य साधु संत ऋषि मुनि थे, कृष्ण पांडव सब लोग थे। मकर संक्रांति का समय आया, उत्तरायण का समय आया, कृष्ण ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, कृष्ण को अपने निकट बुलाया। सदैव देवो हे देवताओं के देव, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भगवान, जरा निकट आओ, नजदीक आओ। कृष्ण पितामह भीष्म के निकट गए। पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। कृष्ण ने कहा प्रतीक्षा यहां करूं? प्रतीक्षा करो मैंने वेट करो, मेरी राह देखो। मानो कृष्ण कहे कितनी राह देखूं, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, कब तक खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरं या वदिदं हिनो यहं। हे कृष्ण, कृष्ण यावत अहम कलेवरं न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। कृष्ण जब तक मैं मेरा कलेवर यह शरीर त्याग न दूं तब तक खड़े रहो, क्योंकि शरीर त्यागना ये भीष्म के हाथों में था, इच्छा मृत्यु। और 60-60 दिनों से शरीर में बाण दसे हुए हैं, वो कष्ट भी था, लेकिन अब उत्तम समय आया ये देखकर कहा प्रतीक्षा करो। ठीक है पितामह मैं प्रतीक्षा करूं, लेकिन किस पोज में खड़ा रहूं, किस स्टाइल में खड़ा रहूं? पितामह भीष्म कहते हैं चुपचाप खड़े रहो, कोई स्टाइल वाइल नहीं करनी है, अपना जो स्वाभाविक रूप है वैसे खड़े रहो। अब प्रश्न तो होगा कृष्ण का स्वाभाविक रूप कौन सा है? पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासा अरुण लो चलोन्नस। कृष्ण का स्वाभाविक रूप जो योगी हो, योगी योगी गण रात दिन जिसका ध्यान करते हैं, कृष्ण का स्वाभाविक रूप है प्रसन्न हासा, मंद मंद मुस्कुराना, प्रसन्न होना, हंसना, ये कृष्ण का स्वाभाविक रूप है। और हमारा स्वाभाविक रूप कभी हमारे पड़ोसियों को पूछ लीजिएगा कि जब मैं बहुत बिजी होता हूं अपने काम में तो मैं कैसी लगती हूं? चिंताग्रस्त। हमारा स्वाभाविक रूप है चिंता में रहना, कृष्ण का स्वाभाविक रूप है प्रसन्न रहना। आप प्रसन्न होकर खड़े रहिए, मैं मेरा प्राण त्यागना चाहता हूं, और यह प्राण त्यागते समय आपको प्रार्थना करना चाहता हूं। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता विदेशना
भगवती सात्वत पुंगवे उत्तरायण के दिन केवल पतंग ही मत उड़ाना, ये गाना, ये उत्तरायण के दिन मकर संक्रांति के दिन है पितामह भीष्म के द्वारा की गई प्रार्थना। इति मति रूप कल्पितावे तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो चिर्विहर तुम प्रकृति मुपेयुषीय प्रवाह भीष्म स्तुति प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आज मैं जब मेरा प्राण त्यागने जा रहा हूं तो इस प्राण त्यागते समय मेरे मन में एक चिंता है, मुझे एक टेंशन है और वो मेरा टेंशन आप ही दूर कर सकते हैं। कृष्ण ने सोचा बूढ़ा मर रहा है तो मरते मरते टेंशन दूर कर दे, बताइए पितामह क्या चिंता है। पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण, कृष्ण मेरी एक कन्या है और वह कन्या बिल्कुल कुंवारी है। मैं सोचता हूं कि मरने से पहले मैं मेरी इस कन्या का विवाह आपके साथ करा दूं। कृष्ण कहने लगे पितामह बड़े छुपे रुस्तम निकले, यह तो आपने प्रतिज्ञा ले रखी है कि शादी वादी नहीं करेंगे, ये कन्या कहां से आ गई। पूरा साधु समाज चर्चा करने लगा कि भीष्म की कन्या कहां से। बोले पितामह ये कन्या कौन, ये कन्या कहां से आई। तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण मेरी कन्या और कोई नहीं, इति मति, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इसलिए इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो कृष्ण मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। पितामह भीष्म ने अपनी मति को अपनी बुद्धि को क्या कहा, कन्या कहा। देखिए भीष्म ने जो भी विचार दिया बहुत सुंदर, हमारी बुद्धि हमारी मति कन्या के समान है। एक कन्या मां बाप को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं देते हैं, यह देखी गई बात है। यूं ही लोग चाहते बस बेटा हो बेटा हो, लेकिन बेटी जितना सुख देती है उतने बेटे नहीं देते हैं। जब छोटी होती है कन्या तो अपने मां बाप को घर में हाथ बटाती हैं, भोजन पकाती हैं, घर साफ करती हैं। जब बड़ी होती हैं देखती हैं कि हमारे बाबा ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं तो जॉब भी करती हैं।
बेटे को बड़ा करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बेटी दिन दुगनी रात चौगुनी कब बड़ी हो जाए समझ में नहीं आता है। कभी कोई अनहोनी हो गई और पिताजी को घर पर आने में देरी हो गई तो बेटी पूछती है कि माँ बाबा अब तक घर पर क्यों नहीं आए। वो चिंता बेटी करेगी और बेटा तो व्हाट्सएप फेसबुक देखकर वो तो सो गया होता है। 20-20 साल तक एक कन्या माँ बाप के साथ रहती है, अपने माँ बाप को लाड़ लड़ाती है और जैसे ही विवाह का समय आता है माँ बाप की सारी संपत्ति मुबारक छोड़कर खाली हाथ पराए घर में चली जाती है और बेटे तो कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक कन्या जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं देते, लेकिन एक कन्या अपने माँ बाप को सबसे अधिक सुख दे सकती है कब, जब अपने माँ बाप में के कंट्रोल में हो। तो यदि बेटी अपने कंट्रोल में न हो तो वही बेटी हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। एक पात्र जो सबसे ज्यादा सुख भी दे सकता है और वही पात्र यदि कंट्रोल में न हो तो कुल में कलंक लगा सकती है, सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। पितामह भीष्म कहते हैं हमारी बुद्धि ऐसी है, यदि हमारी बुद्धि हमारी मति हमारे कंट्रोल में है तो हमें जीवन का सबसे ज्यादा सुख दे सकती है और बुद्धि कंट्रोल में नहीं तो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण ये मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आपकी कन्या का गुण क्या है, रूप नहीं पूछा, रूप तो बाद में, ये रूप का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है, धन का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है, लेकिन यदि कोई गुणवान होगा या कोई कुलीन कोई ऊंचे कुल का होगा तो कुल के गुण खून में आते हैं और गुण जीवन भर तक टिकते हैं। देखना है तो किसी के गुणों को देखे, कुल को देखे। तो कृष्ण ने कहा कि आपकी बेटी में कोई गुण है, पितामह भीष्म कहते हैं हाँ गुण है, कौन सा गुण? इति मति रूप कल पिता वितृष्णा। मेरी बेटी का सबसे बड़ा गुण क्या है? वितृष्णा, अर्थात मेरी मति मेरी बुद्धि संसार की सारी तृष्णा से मुक्त हो चुकी है, सारी कामनाओं से मुक्त हो चुकी है। और वितृष्णा माने विशेष तृष्णा, आपको प्राप्त करने की विशेष इच्छा जागृत हो चुकी है। चलो आपकी बेटी में गुण है, अब आप मेरे दूल्हे के बारे में कुछ जानते हो? बोले भगवती आप भगवान हो। कृष्ण ने कहा भगवान होता तो यहां क्या करता, वैकुंठ में होता। बोले आप यहां पर आए हो प्रकृति यत भव प्रवाह, इस संसार को क्रियमाण करने के लिए, इस जगत को जीवित करने के लिए आप इस संसार में प्रकट हुए हैं। कृष्ण ने कहा बूढ़ा जानता तो है, लेकिन अगला प्रश्न पूछा कि चलो ये तो समझ में आ गया कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, लेकिन आपकी बेटी चाहती है मुझे? आपकी बेटी की इच्छा है कि मेरे साथ विवाह करे? पितामह भीष्म ने कहा वो तो मैं कल पूछकर बताऊंगा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं आपको कह रहा हूं कि दूसरा श्लोक हम कल सुनेंगे। मकर संक्रांति की तीन महिमा, देवताओं का नया वर्ष, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास, पितामह भीष्म का प्रयाण और उनकी प्रार्थना। आइए भागवत कथा प्रसंग की ओर हम आगे बढ़े। गत सत्र में हम सुन रहे थे देवी कुंती कृष्ण से स्तुति कर रही है, कहे कृष्ण आप इस संसार में अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, जन जन में हो, कण कण में हो, लेकिन आप किसी को दिखाई नहीं देते हो।
और आप नहीं दिखाई देते हो, इसका एक ही कारण है कि दुनिया के लोग माया में फंसे हुए हैं। माया जवनी का जन्म ज्ञातोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनी का चन्नम, कृष्ण माया के कारण दुनिया के लोग आपको समझ नहीं पाते, माया में फंसे हुए हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अर्जुन मुझे कोई सब लोग नहीं समझ पाते क्योंकि मेरी माया में फंसे हुए हैं। देवी कुंती कहती है माया जवनी का, ये माया जो है ना एक पर्दे के समान है। ठाकुर जी का मंदिर हमारे बिल्कुल एक दो फुट दूरी पर है लेकिन बीच में पर्दा हो तो निकट होते हुए भी भगवान का वह विग्रह दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे बिल्कुल निकट हैं लेकिन बीच में माया का पर्दा होने के कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। और माया के एक नहीं दो पर्दे, आजकल पैसे वालों के घर पर पर्दे होते हैं ना, वो दो पर्दे होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो माया दो है, दो पर्दे, एक तो महामाया का पर्दा और दूसरा योग माया का पर्दा। महामाया का पर्दा कि संसार के जीव महामाया में, संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं और संसार की मोह माया से कदाचित मुक्त हो भी जाए तो योग माया का पर्दा। आपकी लीला कुछ ऐसी है कि कोई समझना चाहे तो समझ नहीं सकता। बड़े बड़े पराक्रम करते हो, हिरण्याकश्यपु का वध करते हो, दो कदम में ब्रह्मांड नापते हो, 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करते हो, लोगों को लगने लगता है कि नहीं यही भगवान होगा, लेकिन तब तक तो द्वापर युग में कृष्ण बनकर आते हो, गोपियों की गाली खाते हो, सखाओं के हाथों से पीट जाते हो और यशोदा के हाथों से बंध जाते हो, जो थोड़ा बहुत विश्वास हुआ था वो भी उठ जाता है। माया, इस माया के कारण लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ये माया का पर्दा आड़े आ रहा है जिसे हम न भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, न उनका अनुभव कर सकते हैं। तो किसी ने कहा हटा दो पर्दे को, पर्दा ही है ना, दीवार तो नहीं है कि तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि संसार के पर्दे को हटाना आसान है लेकिन माया के पर्दे को हटाना बड़ा कठिन है, क्योंकि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया देवी शक्ति है, इसे मुक्त होना, इसे दूर करना दुरत्य है, मुश्किल है, कठिन है। परंतु मामेव ये प्रबद्यन्ते, कोई एक बार भी, कृष्ण कहते हैं एक सरल उपाय है कि 2400 घंटा माया में फंसा हुआ जीव यदि मुझ कृष्ण के शरण ग्रहण करे तो तुरंत माया मेता तरमती ते उस माया से मुक्त हो सकता है। कृष्ण की शरण ग्रहण करें, कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करें। कुछ लोग कहते हैं हमें भगवान देखने, ऐसे ही भगवान नहीं देखने मिलते, उस भगवान को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी और वो मेहनत है प्रेम। हरि सर्वत्र है, भगवान सब जगह पर है। जिन दिनों रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, धरती पापों से भारी हो गई, ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता चिंतित होने लगे अब क्या होगा, बोले भगवान आएंगे तब ये पाप दूर होगा। लेकिन उस भगवान को कैसे बुलाया जाए, किसी ने कहा हिमालय में जाकर तप करो, किसी ने कहा गंगा में जाकर तप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, होम हवन ध्यान करो। उस सभा में शिव जी बैठे थे, ब्रह्मा ने शिव जी को कहा, बोले ना आपके पास कोई प्लान है भगवान को प्रकट करने का। देवाधिदेव महादेव बोल पड़े, हाँ
व्यापक सर्वत्र समान। शिव जी कहते हैं कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक है, हरि सब जगह पर है और समाना समान रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह पर समान रूप से व्याप्त है। हरि वृंदावन में है तो जर्मनी में भी है, अमेरिका में भी है, और ऐसा नहीं वृंदावन में भगवान 100 किलो के हैं तो अमेरिका में 10 किलो के हैं, वहां थोड़े हल्के हो जाते हैं। शिव जी का क्रांतिकारी सूत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उस सर्वव्यापक हरि को प्राप्त करना है तो एक काम करना होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या करना होगा? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, मोर अनुग्रह तिनके मन माना, साधु साधु कहीं ब्रह्म बखान। पार्वती, जब मैंने मेरा मंतव्य दिया तो मेरे मंतव्य को सबने बखाना और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना और ब्रह्मा जी साधु साधु कहने लगे, वो क्या था? बोले हरि व्यापक सब जगह पर है, लेकिन उस हरि को प्रकट करना चाहते हो तो प्रेम करना होगा। प्रेम से प्रकट होते हैं। यहां तो क्या है ना, हमें प्रेम करना है नहीं और बस भगवान को ही दोष देना है कि हम तो इतना करते हैं लेकिन भगवान आते क्यों नहीं है, हम इतना खिलाते हैं भगवान खाते क्यों नहीं है, हम इतना बुलाते हैं भगवान सुनते क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। और जब इस प्रकार समाज में लोग कहने लगे तब भारत के संतों को गाना पड़ा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 मेरा जैसे तुम उनको बुलाते नहीं, मेरा जैसे तुम उनको बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कम से कम गाकर तो खिलाए। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, अच्युत
आते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, नाचते भी हैं, लेकिन एक बार प्रेम से खिला कर तो देखो, प्रेम से बुला कर तो देखो, प्रेम से नचा कर प्रेम चाहिए। प्रेम अति प्रकट है। सो माया से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करें। लेकिन जो लोग माया में फंसे हुए हैं, हे कृष्ण, वो आपको देख नहीं पाते। कुंती आगे कहती है, माया में फंसे हुए तो आपको समझ नहीं पाते, लेकिन साथ ही साथ तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रीय। जो परम हंस है, सत असत का भेद जानते हैं, वो भी आपको समझ नहीं पाते। मुनि नाम रात दिन मनन करने वाले मुनि भी आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। अमल आत्म नाम तप कर करके जो पवित्र हो चुके हैं, वैसे अमल आत्म नाम भी आपको समझ नहीं पाते। तो कृष्ण कथम पश्येम ही स्त्रीय, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ पाएगी। कुंती का कहना है कि मैं आपको समझ नहीं पा रही, लेकिन कुंती जितना जानती उतना कोई नहीं जानता। अब देखिए धीरे धीरे कृष्ण की पोल खोल रही है। कृष्ण कृष्ण, मैं तो केवल इतना ही जानती हूं कि आप स्वयं भगवान हो, अब क्या बाकी रह गया। कृष्ण आप भगवान हो और इस धरती पर आए हो, स्वयं कृष्ण हो। कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक, रात दिन सुखी रहने वाले सर्व आकर्षक ऑल एट्रेक्टिव आप स्वयं कृष्ण हो। और इस पृथ्वी पर आए, धरती पर आए, तो आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया। अब यहां आए लेकिन मेरे भाई के बेटे बनकर आए, वसुदेव के पुत्र बनकर आए। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वसुदेवाय, कृष्णाय ते नमः, वसुदेवाय ते नमः। आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य। कृष्ण जब किसी फ्लाइट में जाते होगे और कहते होगे पासपोर्ट दिखाओ, तो इसे कितना गर्व से कृष्ण वसुदेव यादव ऐसे ही लिखा होता। तो आप मेरे भाई को सौभाग्य दिए, और सच कहूं मेरे भाई से भी अधिक सौभाग्य मेरी भाभी को दिया। मेरे भाई के तो मात्र पुत्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी देवकी के गर्भ में आप 9-9 महीने तक रहे। आपने मेरी भाभी देवकी को आनंद दिया, इसलिए कहते हैं देवकी नंदनायच, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनायच। आपने देवकी को आनंद दिया। सच कहूं कृष्ण, आपने मेरी भाभी देवकी को भी क्या आनंद दिया। देवकी से ज्यादा आनंद तो आपने नंद बाबा को दिया। इसलिए आगे श्लोक में आगे कहते हैं, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय। आपने देवकी से भी ज्यादा आनंद नंद बाबा को दिया, और नंद को भी क्या आनंद दिया। नंद के घर पर तो सोते थे, जैसे ही सुबह होती थी घर से निकल जाते, शाम को घर पर आते। आपने वास्तविक आनंद ब्रज की गाय को दिया, ब्रज की गोपियों को दिया, और ब्रज के गोप को दिया। इसलिए गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो। श्लोक का अर्थ ऐसे चलता है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। और आगे नमस्कार करते हुए कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनय, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। हे कमल जैसी नाभि वाले कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जिस नाभि से कमल निकला, जिस नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ, हे कमल नाभ आपको प्रणाम। कमल जैसी सुंदर आंखें, कमल जैसे कोमल चरण कृष्ण, ये आपके सर्वाति सुंदर विग्रह को मैं बार बार प्रणाम। कुंती के प्रणाम का प्रकरण समाप्त हुआ और अब कृष्ण को स्तुति करते हुए धन्यवाद का प्रकरण प्रारंभ हुआ। देवी कुंती कृष्ण को धन्यवाद दे रही है। देखिए, हम भी जब मंदिर जाए तो भगवान से मांगे, लेकिन पहले उन्होंने जो दे रखा है उसका धन्यवाद करें। कुंती धन्यवाद देती है, कृष्ण आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत दिया। हमें भी ये एहसास करना चाहिए। अब दुनिया वालों की हालत क्या है, एक तो मंदिर जाते नहीं है और मंदिर गए तो भीख मांगने के अलावा कुछ करते नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, उनके ढाल के बोले हरे सुख संपत्ति घर आ। पड़ोसी में ना जाए, सीधी यहां ब्लॉक नंबर 103 में आए। कष्ट मिटे तन का मुफ्त में, हमारी प्रार्थना तो आप देखो। तन मन, तन तेरा मन तेरा, लेकिन धन मेरा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान से ना मांगे, मांगो भगवान से, मांगने का ठिकाना तो यही है, लेकिन भगवान के दरबार में जब जाए तो पहले उन्होंने जो दिया है उसका धन्यवाद करें। आप विचार तो करो, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, इतना सुंदर मानव देह दिया, भारत में जन्म दिया, एक पवित्र कुल में हमारा जन्म, शरीर को चलाने के लिए हवा पानी प्रकाश, जीवन जीने के लिए ज्ञान बुद्धि धन। 50-100 साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा कितनी गरीबी में रहते थे, कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, थोड़ा सा रोग हो जाए तो मर जाते थे, लेकिन आज ईश्वर ने धन के ढेर खड़े कर दिए हैं। कितनी हायर फैसिलिटी, क्या क्या ईश्वर ने दे दिया, क्या उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। देवी कुंती इतना धन्यवाद कर रही है कि कृष्ण आपने मुझे जो दिया है वो किसी को नहीं दिया, इवन आपने मुझे जो दिया आपने अपनी सगी मां को भी नहीं दिया। आपकी मां देवकी कंस के कारागार में कितनी दुखी थी। यथा ऋषि केश खले न देवकी कंसे न रुद्धाति चिरम शुचार पिता विमोचिता च सहात मजा विभो तो ये नाथेव मुहु विपद गणात। कंस देवकी के 6 बालकों को जन्म होते ही मार दिया। एक मां के सामने 9-9 महीने तक गर्भ से पाल पोष कर इस बालक को जब पैदा करे और आंखों के सामने उस बालक को मार दे, 6-6 बालक मरे, कितना कष्ट। लेकिन प्रभु देवकी के जीवन में इतना कष्ट, इतना कष्ट, और मेरे जीवन में, मेरे जीवन में भी कष्ट तो आए, दुख आए, लेकिन जैसे ही दुख आए आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए, आप प्रकट हुए मेरे दुखों को दूर करते गए। कृष्ण
इस दुनिया में कोई किसी के दुख को एक बार दूर करे, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन मुंह बार 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 कोई मदद करे, बार बार कोई दुखों से दूर करे, ये तो मात्र कृष्ण आप ही कर सकते हैं। देवी कुंती पूरा लिस्ट निकाल रही है कि आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। विशान महागुने पुरुषार्थ दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महा रथास्त्रो द्रोण्य सच्चास्म हरे भिरक्षिता। प्रभु आपने आपने कितनी बार मुझ पर कृपा की। सबसे पहले विशान उस भयंकर विष से आपने मेरे बेटे भीम की रक्षा की। दुर्योधन तो इसी ताक में था कि मैं पांडवों को मार दूं। जब पांडव छोटे थे भीम को पिकनिक के बहाने लेकर गया दुर्योधन और जहर वाले लड्डू भीम को खिलाकर भीम मूर्छित और उसे नदी में फेंक दिया और कह दिया आपका बेटा मर चुका है। कृष्ण मेरा बेटा भीम तो मर ही चुका था, लेकिन धन्य हो आप कि जन्म से मात्र 2000 हाथी का बल और मर चुका था, लेकिन जब उस नदी से बाहर निकला तो 20,000 हाथी का बल लेकर प्रभु आप ही की कृपा है कृष्ण। विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात एक 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 अपने जीवन की विपत्ति को गिना रही। लाक्षागृह की अग्नि से आपने हमारी रक्षा की। दुर्योधन ने प्लान बना ही दिया था लाक्षागृह में हमको जलाकर मारने का, लेकिन धन्य हो कृष्ण आपकी कृपा से, आपके संकेत से उस लाक्षागृह में आग लगे इसके पहले हम उसे छोड़कर निकल गए, नहीं तो हम तो कब के मर गए होते। पुरुषाद अदर्शनात वनवास के दौरान दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। जानते ना दुर्योधन ने भेजा था कि मुनिवर आपने मुझ पर जो कृपा की है पांडवों के ऊपर करो, और दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर गए। युधिष्ठिर ने आमंत्रण स्वीकार किया, बोले हम स्नान करके आते हैं। दुर्वासा 10,000 स्नान करने गए उस शिष्यों के साथ और यहां द्रौपदी को कहा द्रौपदी 10,000 एक प्लेट तैयार करो, दुर्वासा आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा पतिदेव अभी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले अपना अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र जानते ना जितना चाहे उतना। बोले वो तो मैंने धोकर रख दिया है, अक्षय पात्र का नियम एक बार धो दो तो 24 घंटे के बाद ही निकले। अब पांचों पांडव एकत्रित हुए और चिंता करने लगे कि दुर्वासा का स्वभाव तो बच्चा बच्चा जानता है, यदि उनको भोजन नहीं दिया तो श्राप दे देंगे, क्या करे क्या करे। कोई उपाय नहीं मिला। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए। बोले द्रौपदी पुकारा? बोले हाँ भैया, वो दुर्वासा 10,000 को लेकर आएंगे और हम भोजन नहीं करा पाएंगे, श्राप दे देंगे। बोले अक्षय पात्र लाओ। बोले वो तो मैंने धोकर रख दिया। कृष्ण का फिर भी लाओ तो जरा। अक्षय पात्र द्रौपदी लाई, देखा उसमें एक चावल का दाना बचा था, आजनी नवी वहु जेम धोयू हशे, पण आम सारू कहेवाय के भाई एक दाणो रही गयो जेथी काम थयू। तमने नो समझाणो, नई बहु की तरह धोया होगा। तो एक दाना रह गया, कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। इतिहास गवाह है भक्तों कि कृष्ण ने वह चावल का एक दाना खाया और कृष्ण का पेट भर गया। कृष्ण को डकार आई, कहते हैं इस चराचर जगत में समस्त जीवों का पेट भर गया, सबको डकार आई। पशु पक्षी गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष देवी देवता
और दुर्वासा 10,000 के साथ स्नान कर रहे थे, सबका पेट भर गया, सबको डका रहे। बात आई इसलिए कह दूं, कृष्ण को भोजन कराओ तो जब सबका पेट भर जाता है तो कृष्ण की भक्ति करो तो क्या सबकी भक्ति नहीं हो जाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति क्यों, इसलिए कृष्ण की भक्ति करते हैं क्योंकि 2,000 की नोट में सारी नोट समाई हुई है। कृष्ण का भजन करेंगे सारे देवी देवता गंधर्व किन्नर, बिकॉज कृष्ण इज रूट ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण सबके मूल है, स्त्रोत है। यदि कृष्ण का भजन करे तो सबको मिल जाता है। यथा तरो मूल निषेच नेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथे इंद्रियाणाम तथेव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। अच्युत की इज्या, अच्युत की पूजा, कृष्ण की भक्ति कैसी है तो भागवत में लिखा है पेड़ के मूल में पानी डालो ऐसी है। पेड़ को पोषण करना है तो जड़ में पानी डालोगे कि पत्ते पर, डाली पर, फल पर, फूल पर? पंजाब वालों कहां दा पानी डालोगे? फल पर पानी डालेंगे कि नहीं? फल बड़ा होगा फल पर। पत्ते पर डालेंगे, डाली में? नहीं, पानी जड़ में डालेंगे। यदि जड़ में पानी डाला तो उस पेड़ की डालियों में, पत्तों में, फल फूल सब जगह पानी पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस पूरे जगत के मूल कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति की तो सभी देवी देवताओं की भक्ति, सबकी भक्ति। कृष्ण की भक्ति करने वाले को किसी भूत प्रेत बाबा बापू किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कारण के जे देवी देवताओं की भक्ति करे ने इन्हें अमुक नड़े, हमने फलाना नड़े छे, हमने आ नड़े छे, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वालों को कोई नहीं नड़ता क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ऐसा ही हुआ, सबका पेट भरा। अब क्या हुआ, वो जो शिष्य दुर्वासा के शिष्य स्नान कर रहे थे आपस में चर्चा करने लगे कि यार तुम लोग जाओ, मेरा तो पेट भरा हुआ है। दूसरे ने कहा पेट तो मेरा भी भरा हुआ है। स्नान करते करते चर्चा चली बाहर, दुर्वासा जी धोती स्नान करके धोती पहन रहे थे। शिष्य आए, गुरुजी एक बात कहना चाहते हैं। बोले क्या? बोले हमारा पेट भरा हुआ लग रहा है और हमको भूख नहीं है, एक काम करो आप भोजन करके आ जाओ। दुर्वासा ने कहा सालो ये डायलॉग मेरा है, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि आप लोग भोजन करके आओ क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। चर्चा चली रही थी, सबका पेट भरा हुआ था, अब क्या करें? वहां पांडव कृष्ण सब लोग राह देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा भीम जरा जरा देख कर आओ वो लोग कहां पहुंचे। भीम गए, बोले काम करो भीम हाथ में गदा लेकर जाओ। और ये दुर्वासा और उनके शिष्य चर्चा कर रहे थे तब तक दूर से, आप समझिए किसी होटल में आप जाओ और होटल में ऑर्डर करो कि 10,000 प्लेट दे दो, थाली 300 रुपये की एक, 10,000 दे दो। अब वो बेचारे मेहनत करके भोजन बनाकर थाली तैयार करके लाए और आपको ऑर्डर कैंसिल, होगा क्या आप बताइए? धुलाई के अलावा कुछ होगा? एक तो ये 10,000 प्लेट का ऑर्डर देकर आए, अब ऑर्डर कैंसिल करने के चक्कर में है। और कृष्ण ने भेजा भीम को जरा जाओ। भीम हाथ में गदा लेकर मतवाली चाल चलते हुए दुर्वासा के शिष्य ने कहा महाराज होटल का मालिक मैनेजर आ रहा है। गुरुजी अब क्या करे, क्या करे, क्या करे? गुरुजी ने कहा सावधान। अपने स्कूल में करा दे ना सावधान, सावधान। गुरुजी अब सब लोग अपने अपनी धोती ऊपर ऐसे ऐसे घुटन तक कर लो। बोले गुरुजी अब बोले भागो, और कोई चांस नहीं है हमारे पास। जिसको पर्वत से रास्ता मिले पर्वत से जाओ, कुछ लोग नदी से, क्योंकि 10,000 एक साथ है, भीड़ भड़क का हो जाएगा, आप लोग भाग नहीं पाओगे। दुर्वासा ने कहा कुछ लोग नदी से जाओ, कुछ लोग पर्वत से जाओ, कुछ लोग जंगल से जाओ, 3 दिन के बाद हमारे आश्रम में मिलेंगे। सब लोग भागे। देवी कुंती भगवान को स्तुति करते समय ये सारे प्रसंग याद करा रही है कि कृष्ण आप न होते तो दुर्वासा तो मार ही दिया होता मेरे पांचों बच्चों को। धन्य हो कृष्ण आप।
विशाल महाग्ने पुरुषाद अदर्शना असत सभाया। देवी कुंती को याद आया कि धन्य हो कृष्ण, आपने हमारे लिए क्या क्या किया। कर्ण, कर्ण है ना बहुत बड़ा योद्धा था। देवी कुंती ने यह भी याद किया। पहले मैं श्लोक में बोल दूं, मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रे द्रोण्यस्य तच्चा हरे भिरक्षिता। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रे। हे कृष्ण, आपने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं से हमारे बच्चों को बचाया, ये तो हमारी सेना क्या थी। दुर्योधन की सेना 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौणी। जिन दिनों भगवान कृष्ण इस धरती पर थे और दो हिस्से हुए, कृष्ण की टीम में कम थे, दुर्योधन में ज्यादा थे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, भीड़ देखकर यह मत समझ लेना कि यहां प्योर माल है, क्योंकि भीड़ दुर्योधन ज्यादा इकट्ठी किया था। दुर्योधन में बहुत सारे लोग थे। भीड़ देखकर किसी वस्तु का निर्णय रिजल्ट मत लीजिएगा, क्योंकि भीड़ दुर्योधन के पास थी, सत्य अर्जुन के पास था। जहां धर्म होता है, नीति होती है, सत्य होता है, भले उसमें कम लोग हो लेकिन विजय तो उसी की होती है। और अर्जुन की विजय तो बहुत पहले हो चुकी थी। आप ये मत समझो कि अर्जुन युद्ध में जीता नहीं, युद्ध के पहले जब युद्ध निश्चय हो गया और यहां से शकुनी ने, यहां युधिष्ठिर ने दुर्योधन को भेजा, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन दुर्योधन दोनों द्वारिका आए, द्वारिकाधीश के पास। कृष्ण सो रहे थे और जैसे ही कृष्ण जगे तो अर्जुन को पहले देखा, गले मिले। अर्जुन आप यहां, पीछे से बोला, मैं भी आया हूं। अरे दुर्योधन आप भी आए, आप दोनों यहां पर, दोनों का स्वागत बिठाया, कहां आपके आने का कोई विशेष कारण। बोले हाँ, हम लोगों के बीच में युद्ध फाइनलाइज हो गया है और हम आपसे मदद मांगे। कृष्ण ने कहा, देखो ये अपने घर में युद्ध हो रहा है, बाबा मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, कराने वाला यही है। ये दोनों भाई बेचारे चुपचाप जी लेते, लेकिन सारा सब कुछ कराने वाले कृष्ण ही है। और अभी क्या डायलॉग करें कि देखो भाई आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, भाई मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मेरा निर्णय तो यह है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। एक और मेरी नारायणी सेना, दो अक्षौणी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं। अर्जुन ने सीधा कह दिया, कृष्ण मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं, मुझे तो आप चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे कृष्ण आप चाहिए, अर्जुन युद्ध जीत गया। यहीं पर अर्जुन की विजय थी। भक्त, ये 18 दिन का युद्ध, ये सब तो बात की बात है, अर्जुन की जीत उनके सिलेक्शन से हो चुकी थी। हमारे जीवन में भी जब चुनाव का समय आए, जीवन में जब चुनने का समय आए, एक और समाज, दूसरी ओर श्याम सुंदर, एक और दुनिया और दूसरी ओर मेरा ईश्वर। और उस समय यदि हम चुने कि नहीं मुझे तो कृष्ण, जीत उसी दिन नक्की हो जाएगी। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि कृष्ण सेना नहीं, मुझे आप। अब कृष्ण, महाभारत में लिखा, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज ने तुमको क्यों भेजा है युद्ध में? हेल्प, मदद मांगने के लिए भेजा है ना, तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी सेना हेल्प करेगी। दुर्योधन बोला, अब मांग लिया है, छोड़ो ना केशव, अब मुझे सेना दे दो, मैं निकलूं, मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन तो सेना लेने के लिए आया। लेकिन अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, बस आप मेरे रथ पर बैठो, मेरे जीवन की और मेरे रथ की बागडोर आप अपने हाथ में रखो। और कृष्ण मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन और मेरे रथ की बागडोर आपके हाथ में होगी। ये कौरव क्या है,
महादेव भी यदि कुरुक्षेत्र में आ जाए तो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन तो जीत ही चुका था जब कृष्ण को चुना। हम और आप जिस दिन कृष्ण को चुने उस दिन हम जीवन को जीत जाएंगे। तो बहुत बड़ी सेना थी दुर्योधन की और इस सेना में एक से एक योद्धा, बड़े बड़े योद्धा थे। उनमें से एक योद्धा था कर्ण। किसी कवि ने कहा कि यदि कर्ण के ऊपर दुर्घटनाएं न हुई होती तो अकेला कर्ण पांडवों को चना की तरह चबा दिया होता। आखिर तो सूर्य का बेटा है ना। गलती सिर्फ उतनी कि सूर्य का बेटा होकर अंधे के बेटे से संगति कर ली। संस्कार गलत, संगति गलत पड़ गई। आखिर तो कुंती की संतान कर्ण। पहली दुर्घटना परशुराम जी का श्राप। सूत पुत्र था लेकिन ब्राह्मण पुत्र कहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की। परशुराम को पता चला, श्राप दे दिया। दूसरी दुर्घटना, जब युद्ध शुरू हुआ तो इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए। कर्ण दानेश्वरी थे, कवच मांग लिया। कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि अर्जुन ने भेजा है, लेकिन कर्ण ब्राह्मणों का तो आदर करता है, ब्राह्मण के वस्त्र का भी आदर करता है। तुम इंद्र हो मैं जानता हूं, लेकिन इंद्र जिस वस्त्र को पहनकर आए हो ना उसकी मर्यादा है। कवच चाहते हो ये लेकर जाओ। कर्ण ने दे दिया। दूसरी दुर्घटना, तीसरी दुर्घटना, दुर्योधन ने कहा कर्ण यार मारो तुम इसे, क्योंकि 10-10 दिन बीत गए और पांडवों में से कोई मरा नहीं। दुर्योधन, कर्ण ने कहा मित्र तुम चिंता मत करो, कल ही पांडव गए मेरे हाथों से। 5 बाण दिखाए और 5 बाणों के ऊपर पांडवों का नाम, बोले इन बाणों से पांडव मरेंगे और सत्य कहूं मरने ही वाले थे। लेकिन कृष्ण को पता चल गई कि कर्ण के पास 5 बाण है। कृष्ण माता कुंता को लेकर आए और कहा कि जो राज की बात आपने छुपा कर रखी है जाओ कर्ण को जाकर बता दो। रातों रात देवी कुंती कर्ण के पास गई और निवेदन किया, कर्ण कर्ण तू सूत पुत्र नहीं, तू मेरा बेटा है। कर्ण की आंखों में आंसू, कर्ण झुक गया। मां तू मुझे आज कह रही है, तू मुझे आज बता रही है कि मैं तेरा बेटा हूं। मां बहुत देरी हो गई, बहुत देरी हो गई। अब तो मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूं, लेकिन मां जीवन भर मैंने तेरी सेवा नहीं की, आज मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मां तुझे क्या चाहिए? कृष्ण ने समझा कर रखा था कर्ण जब ये डायलॉग मारेगा तो बता देना कि वो 5 बाण दे दे। कुंती ने कहा बेटा मेरे पांडवों को मारने के लिए जो 5 बाण रखे ना वो मुझे दे दे। कर्ण ने दे दिया। दुर्योधन को पता चला। दुर्योधन ने कहा कर्ण ये तूने क्या किया? कर्ण ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास और एक बाण है, एक अग्नि, और इस एक अग्नि से मैं अर्जुन को कल मारूंगा। दुर्योधन ने कहा अर्जुन मरा तो बाकी को तो हम निपट लेंगे। अब कृष्ण को कहां पता कि 5 निकालने के बाद और भी एक बचेगा। अब तो कुंती का शस्त्र भी गया, अब तो कुंती भी नहीं मांग सकती, अब क्या करे क्या करे। कृष्ण तो कृष्ण है, भीम पुत्र घटोत्कच को बुलाया। आने कृष्ण है जे घटोत्कच ने जे चढ़ायो छे, अपनी भाषा में, हिंदी में चढ़ाता नहीं है, गुजराती में ही चढ़ाता है। आने कृष्ण है चढ़ायो, આને ઘટત ઘટના મનમાં જે ઉત્સાહ આવ્યો છે મારા બાપ દાદાના હામે પડ્યા છે એ તાકાત ઘટત ઘટ પૂર્ણ તોડ ડાલુંગા માર ડાલુંગા કાટ ડાલુંગા લેકિન કૃષ્ણ લેકિન
तो कृष्ण ने कहा शुरू करो मारना। नहीं नहीं कृष्ण, युद्ध का नियम है कि सुबह शंख जब फूका जाता है तब युद्ध शुरू होता है, संध्या को समाप्त। कृष्ण ने कहा घटोत्कच, वो नियम जो है जिसने युद्ध में भाग लिया है उसके लिए है, तू तो टीम मेंबर ही नहीं है, तेरे लिए कौन सा नियम? क्रिकेट स्टेडियम में सारे रूल्स रेगुलेशन जो टीम में होते हैं उनके लिए है, तू तो टीम का मेंबर ही नहीं है, तू रात को शुरू कर दे। अने घटोत्कच मंडाणो रात्रि युद्ध, दुर्योधन की सेना का विध्वंस करते गया, मारता गया मारता गया मारता। दुर्योधन ने कहा कि ये घटोत्कच, दुर्योधन सीधा कर्ण के पास, कर्ण वो जो मुझे एक अग्नि दिखाया था ना उससे इसको मारो। कर्ण ने कहा नहीं, ये तो मैं कल अर्जुन को मारूंगा। दुर्योधन के अकाल सवार पड़वा देवानो। दुर्योधन ने कहा कि कर्ण इसे नहीं मारोगे तो कल सुबह होगी ही नहीं है, रात को ही दी एंड कर देगा। खबर होती कृष्ण ही चढ़ाए वो था। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने एक अग्नि चढ़ाया और घटोत्कच का वध कर दिया। लेकिन तीस पर भी एक दिन की बात, इतनी इतनी दुर्घटना कर्ण के जीवन में, और एक दिन कर्ण के सामने अर्जुन का रथ टकराया। दोनों कुंती की संतान है, घमासान युद्ध हुआ कर्ण और अर्जुन के बीच में, भयंकर युद्ध। और युद्ध करते करते महाभारत में वर्णन है, व्यास मुनि लिखते हैं कि कर्ण ने एक अमोघ बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, कान तक प्रत्यंचा खींची और अर्जुन के गले का निशाना लेकर छोड़ा। कृष्ण ने देखा कि ये बाण अर्जुन के गले को उड़ा देगा, बहुत विद इन सेकेंड, सेकेंड का भी पल्स के टाइम में कृष्ण ने सोचा कि ये बाण अर्जुन को मारेगा, क्या करूं, बाण को कैसे रोकूं। तुरंत कृष्ण ने अपनी मुष्टिका बनाई, पांच घोड़े, पांचों के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि घोड़े घुटना टेक दिए और वह रथ डेढ़ फुट नीचे हो गया, और कर्ण का अमोघ बाण जो अर्जुन के गले को लेकर उठने वाला था अर्जुन के मुकुट को लेकर। देवी कुंती को ये सब हम नजरे तरह से आंखों के सामने आ रहा है। आप यदि ये नहीं किए होते तो हमारे बेटे तो इस प्रकार। कितनी बार मैं कितना गिनाऊं, मुंह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास क्रीचित, असत सभाया। ये असत सभा के ऊपर ही तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा ना, अगरे करुणा मथ पांडवाना दुशासनेना हतवस्त्र के कृष्णात दात्र शदनन्य ना गोविंद दामो धर्माधवे। देवी कुंती कहती है कृष्ण, कृष्ण यदि आपने उस असत सभा से मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा न की होती तो आज हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक न होते। मामा शकुनी ने छल कपट करके दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को जुए में द्रुत क्रीड़ा में हरा दिया। पांडव अपने राज्य को हार गए, अपने अस्त्र शस्त्र हार गए, अपने आप को भी हार गए और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाया।
द्रौपदी को हार गए। और जब पांडवों ने द्रौपदी को हारा, भरी सभा में दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश देता है, दुशासन अब ये द्रौपदी पांडवों की नहीं हमारी हो चुकी है, ये लोग हार चुके हैं, द्रौपदी हमारी, जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। दुशासनेन हत वस्त्र केशा, दुशासन द्रौपदी के पास गया, द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा चलो सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने कहा दुशासन मैं नहीं आ सकती। बोले नहीं तुम्हें चलना ही होगा। बोले मैं नहीं आ सकती, मेरी स्थिति नहीं है। तब दुशासन नहीं कैसे आ सकती है, अभी तुम पांडवों की नहीं हमारी हो चुकी हो, ऐसा कहकर दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए लेकर गया। भागवतकार ने कह दिया हत आयु कच स्पर्श, जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के बालों में हाथ डाला, द्रौपदी की आयु दुशासन और पूरे कुरु वंश की आयुष्य समाप्त हो गई। घसीटते हुए लेकर गया, भरी सभा में जहां पर लाखों लोग बैठे थे, पूरा समाज, पूरा कुरुवंश जहां बैठा था, और भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को कहा दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करो। लाखों लोगों के बीच में आदेश हुआ निर्वस्त्र करो, एक आदमी भी नहीं बोला कि यह गलत है। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी अपने ससुर धृतराष्ट्र के पास गई। महाराज मैं आपकी कुल की कुलवधू हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। बगल में पितामह भीष्म बैठे थे। द्रौपदी भीष्म के पास गई, दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं पितामह आप तो मेरी रक्षा करो, आपका तो आपकी तो प्रतिज्ञा है हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, तो मैं क्या हस्तिनापुर की बाहर की हूं। दुर्योधन के अन्न पर आश्रित होने के कारण भीष्म की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, मस्तक झुकाकर बैठ गए, कुछ नहीं किया। द्रौपदी पांच पांच पांडवों के पास गई, जैम पांच पांच पर्वतनी वच्चे नदी अकड़ाती होय, पांच पांच पति पर्वत के समान ऊंचे भीम अर्जुन युधिष्ठिर, लेकिन जैसे नदी का जल गोता खाता है ऐसे द्रौपदी पांच पांच पति लेकिन अचल अटल बैठे रहे, पति भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। द्रौपदी समाज के पास गई कि आप लोग मेरी रक्षा करें। द्रौपदी की रक्षा कोई नहीं किया। द्रौपदी ने अपने हाथों से उस साड़ी को पकड़कर रखा कि मैं बचा लूंगी, लेकिन आप विचार तो करो कि कहां 10,000 हाथी का बल दुशासन में, कहां ये अगला कैसे बचा। जब द्रौपदी इस प्लेटफॉर्म पर आ गई कि ये कोई मेरी रक्षा नहीं करेंगे और मैं स्वयं भी मेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तब द्रौपदी को वशिष्ठ जी के वचन याद आए। विवाह के समय आशीर्वाद देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था बेटा जीवन में जब विषम परिस्थिति में फंस जाओ, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न मिले, तुम कृष्ण की याद करना, वो अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगा।
हस्तिनापुर को ललकारते हुए द्रौपदी कहती है कि आप लोग क्या जानो कि एक माँ बेटी की इज्जत क्या होती है, एक लाज शर्म क्या होती है, आप लोग क्या जानो। पानी के बीच में द्वारिका में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की इज्जत क्या होती है। इस प्रसंग को आचार्यों ने बहुत गाया। द्रौपदी ने कहा, मुरारी मुरारी मेरो क्या बिगड़े, रोते हैं ए मुरारी मेरो क्या बिगड़े, जाए गिला जतिहारी। कृष्ण, 2 मिनट बाकी है। कृष्ण अब 2 मिनट, मेरा हाथ अब काम नहीं कर रहा है। ये दुशासन 10,000 हाथी का बल साड़ी खींच रहा है और 2 ही मिनट में मुझे निर्वस्त्र करेगी। लेकिन कृष्ण, मैं यदि निर्वस्त्र हो गई, लाज मेरी नहीं जाने वाली। हम तो आपको आश्रित है, हम तो आपके बेटे हैं, हम तो आपकी संतान, हम तो आपको बिक चुके हैं। मुरारी मेरो क्या बिगड़े, मेरा क्या बिगड़ेगा, क्यों जाएगी लाज तिहार, लाज तो तेरी जाएगी। प्रसंग तो ऐसा भी है कि जब इस प्रकार से द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, एक आदमी बोला, महाभारत में वैसे कौरव 100 है ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन 100 कौरव, दुर्योधन के 99 भाई, कौरव 101 थे और उसमें एक था विकर्ण, वो नहीं रह पाया, बिल्कुल खड़ा हो गया। आने विकर्ण आखी सभा ने ललकारे के हे धरती ना वीरो, आजे आजे आ धरती नी एक स्त्री निर्वस्त्र थई रही छे। अपनी देश नी बहन दीकरी गाय अने ब्राह्मणों नी रक्षा करवा माटे माथा आपी देनार मानसो क्षत्रियो, आजे तमारी तलवार मा काट लागी के। विकर्ण, और एक 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 संत ने तो बहुत सुंदर बात बताई कि विकर्ण की जब किसी ने नहीं सुनी, कर्ण के मन में हुआ कि ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन बस द्रौपदी एक बार मुझे कहे। भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पति के पास गई, एक बार द्रौपदी मुझे कहे कि मेरी रक्षा करो। अन कर्ण मन में विचार करे, दुर्योधन से तो कौन, आ दुर्योधन ने आखी सेना नो दाट वाली दो, अकेला दुर्योधन की सेना का विध्वंस कर दू, लेकिन एक बार द्रौपदी मुझे कहे। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण के सामने देखा नहीं, और बस 2 मिनट की देरी और द्रौपदी कृष्ण को पुकार। भजन तो हमारे गुजरात के संतों ने भी गाया, कृष्ण यदि सुभद्रा होती तो क्या होता, न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कृष्ण मेरा आपका क्या नाता, इसीलिए तू नहीं आ रहा है, तू तो सुभद्रा का भाई है, मेरा भाई नहीं है तू। सुभद्रा होती तो क्या तुझे पुकारना पड़ता। द्रौपदी ने पुकारा, दोनों हाथ ऊपर करके, हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश, पाही पाही जगत पते, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर रुक्मणी सत्यभामा जामवती कालिंदी पद्मा
सेवाएं कर रही हैं। और वहां हस्तिनापुर से द्रौपदी ने पुकारा और यहां भगवान कृष्ण के आठों अंग फरकने लगे। द्रौपदी के पुकारते ही कृष्ण अपने सिंहासन से कूद गए, दौड़ने लगे। अब कृष्ण हरे कृष्ण दुशासन में 10,000 हाथी के बल वाले दुशासन के मुख से फेंक निकल गए, मूर्छित होकर गिर गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हो पाया। देवता समझ गए भगवान की कृपा हुई, आकाश में प्रकट भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के द्रौपदी की रक्षा हो गई। कुछ देर के बाद कृष्ण पहुंचे, द्रौपदी रूठ कर कहती हैं, भैया मेरी रक्षा ही करनी थी तो इतनी देरी से क्यों आए, पहला नो आवी शको। और हमारे भगवान का स्वभाव मुंबई पुलिस की तरह घटना के बाद ही पहुंचता है। बम फोड़ वाला बम फोड़ी दे, चोरी करो वाला चोरी करी ले, बद्दा ठेकाने पहुंची जाए पछी पुलिस आवे। और इसलिए तो मीरा और शबरी को गाना पड़ा है, बड़ी देर भाई बड़ी देर, कब लोगे खबर मोहरा, कब लोगे खबर मोहे। द्रौपदी ने कहा कि रक्षा करनी थी तो इतना देरी से क्यों आए। कृष्ण तो बोलने में एक्सपर्ट है, कृष्ण ने कहा देखो मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था कि मैं तुम्हारी तुरंत रक्षा कर लूं, लेकिन तुम दोनों हाथ ऊपर करके कहती हो द्वारिकाधीश द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो। अब मैं मेरे भक्त के वचन कैसे मिथ्या कर सकता हूं। तुम द्वारिका से बुला रही हो,
तो मैंने हस्तिनापुर से द्वारिका गया, वहां से रिटर्न लेकर फिर हस्तिनापुर आया। आने जाने में थोड़ी सी देरी हो गई, अन्यथा भक्त की रक्षा करने में मैं देरी। कृष्ण का स्वभाव तब भी वैसा था, कृष्ण का स्वभाव आज भी वैसा है, बस देरी है तो मात्र उनको पुकारने की, उनको पुकारे। तो इस प्रकार देवी कुंती भगवान को सुंदर स्तुति करती है। देवी कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की और स्तुति के को सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। कहा, मां मैं आपकी इस प्रार्थना से स्तुति से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए मांग लो, आप जो चाहिए मांग लीजिए। देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा, गोप्या जैसे गंगा की धारा अनेक पर्वतों को तोड़कर फोड़कर प्रचंड वेग से आगे बढ़ती है और समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे मेरी भक्ति रूपी गंगा सभी विघ्नों को पार करके आपके चरणों में मिलती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु मेरी भक्ति दिन भर दिन बढ़ती रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भक्त तो यही मांगते हैं ना, भक्त ये थोड़ी मांगते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है वो ज्यादा दुखी है, वो वृंदावन नहीं आ सकते। कृष्ण जारे जूनागढ़ ने पूछू कि मेहता शू जो त्यारे नरसिंह मेहता बोलाये, शुद्ध भक्ति वधे मारी पुराणी माजे धन्यवाद
सब संत एक मत। आम तो लगभग बधा संतोना एक ज मत होय छे, जे मेहता नरसिंह मांगे ईज देवी कुंती मांगे। तो बहु संक्षिप्त मा कुंती प्रकरण समाप्त। भीष्म स्तुति तो रोज लेशो ज। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि प्रश्न पूछते हैं, पांडवों का वन गमन कैसे हुआ? ऐसा वर्णन है कि पितामह भीष्म के मुख से ज्ञान ग्रहण करके युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ, वे राजा बन गए, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर अंत में कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका अपने घर वापस लौट गए। एक अध्याय में वर्णन कृष्ण का द्वारिका गमन बहुत सुंदर। 6 महीना हुआ था, 6 महीने कृष्ण अपने संसार से दूर थे। कृष्ण और हमारा तो केवल स्वार्थ का संबंध, जहां तो शुद्ध विशुद्ध प्रेम था। 16108 पत्नी बच्चे घर संसार 6-6 महीने से छोड़कर आए। कृष्ण को याद आई, अपने रथ पर बैठकर गए और सुत जी कहते आनर्तान से उपब्रज्य आनर्त नगरी को देखकर स उच्च काशे धवलो दरो दरो। कृष्ण ने शंख नाद किया लेकिन जगत भय भयावह, जगत के भय को दूर भयभीत करने वाली कृष्ण की शंख की ध्वनि द्वारिका वासियों ने सुनी। सारे द्वारिका वासी हैं, कृष्ण की राह देख रहे हैं, हमारा बाप कब आए, हमारे पति कब आए। क्योंकि जब से कृष्ण गए हैं उनकी पत्नियों ने अच्छे भोजन खाना त्याग दिया कि हमारा पति घर पर नहीं, हम व्यंजन खाकर क्या करें। उन कृष्ण की पत्नियों ने पर पुरुष को देखना छोड़ दिया कि हमारा पति परदेश गया है, हम घर से बाहर अच्छे वस्त्र त्याग दिए। अने यहां पति ऑफिस से क्यों नथी, टीवी चालू करू नथी। दुनिया भर के पतियों को देखो, पुरुषों को देखो, फिर कहती मेरे जीवन में दुख तो दुख ही आएंगे। धन्य है कृष्ण की पत्नियां। सुंदर वर्णन में तो संक्षिप्त में, क्योंकि आगे बढ़ना है हमें। हमारे पति आए हैं, सारी रानियां कुछ ना कुछ भेंट लेकर कृष्ण के पास। जो पूरा वो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आ। नजर उतारो खुशियां मनावो, क्योंकि आज एरी सखी मंगल गावो धरती अंबर सजावो री। उतरेगी आज मेरे प्रिय की समान खुशी लेके आवो आज आज मेरे मियां घर कृष्ण का स्वागत किया।
कृष्ण द्वारिका में है। लगभग 2-5 महीने बीते होंगे, युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि कृष्ण को मिले बहुत समय हो गया, अर्जुन एक काम करो, कृष्ण को मिलकर आओ, खबर लेकर आओ। पहले के जमाने में कुछ था नहीं, मोबाइल आदि कोई सुविधा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए द्वारिका, पता चला 128 वर्ष इस धरती पर लीला करके कृष्ण वैकुंठ वापस लौट गए। यह दुखी समाचार लेकर अर्जुन वापस लौटे, युधिष्ठिर को अनेकों प्रकार के अपशुकन होने लगे। युधिष्ठिर को देखकर उनके राज्य के कुत्ते रोने लगे, उनके राज्य के मूर्तियों की आंखों से आंसू निकलने लगे, असमय में वर्षा होने लगी, भूकंप होने लगा। युधिष्ठिर समझ गए कुछ अपशुकन हुआ। अर्जुन आए, कहा भैया दुखी समाचार लेकर आया हूं, क्या हुआ? कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। अनु हिंदी तो न थाय, तुम्हारे पास हो तो मैंने के जो, पर जारे अर्जुन ने कीधु कृष्ण अपने मुकिन होया क्या, युधिष्ठिर ने फाड़ पड़ी। तुम्हारे फाड़ पड़े न पड़े, फाड़ गुजराती मत पड़े पड़े। हृदय फट गया हो, मेरा बाप मेरा ईश्वर कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। तुरंत युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि कृष्ण यदि इस धरती पर नहीं तो हम लोग रहकर क्या करें, हम तो कृष्ण की सेवा के लिए जीवन, कृष्ण ही यदि नहीं है तो जीने का क्या लाभ, क्योंकि जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय, राम और सीता की सेवा नहीं उनका दर्शन नहीं तो जीवन जी कर क्या लाभ। निर्णय लिया हम नहीं रहेंगे। भीम ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सब ने निर्णय लिया और अपने पुत्र पौत्र परीक्षित का राज तिलक करके पांचों पांडव हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय स्वर्गारोहण करते हुए। पण आपड़ा सौराष्ट्रना संते लखी नाख्यो के युधिष्ठिर केटलो समय राजा रिया, कवि काग लखे के सिंहासने चढ़वा गया त्या पग हेठे हिमालय हतो, आखुई जीवन जे हस्तिनापुर माटे संघर्ष कर्यो, हजारों अक्षौणी सेना नो विध्वंस थयो, केटली मार काट थई અને જે સિંહાસન ઉપર ચડ્યા કેટલો સમય ભોગવી શક્યા। સમજને કી વાત યે હૈ કે ચાહે કિતની ભી ભાગ દોડ કરો ભાગ્ય કે સે જ્યાદા કભી નહીં ભોગત પાઓગે, ભાગ્ય સે જ્યાદા કભી નહીં ભોગત પાએંગે ચાહે કિતની ભી ભાગ દોડ કરો। કુછ લોગ કહેતે ના હમ બહોત કમાએંગે બહોત મહેનત કરેંગે, અને કરે તે પાછા મહેનત હી બહુ કરે, આખોય જીવન મહેનત કરે, પૈસો 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 ભેગો કરે, અને જ્યારે પૈસો વાપરવાનો સમય આવે ખાવા પીવા ત્યારે ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ હોય, આખાય ગામને નોતરે ને 108-56 ભોગ બનાવે ને લોકો પ્રેમથી ખાય, પોતે ફણગાવેલા મગ ખાતો હોય, તમે લો નહીં અમને તો ડાયાબિટીસ છે। એક વાત સમજી લેજો કે જે સ્ત્રી પોતાના પતિને ખવડાવવા વગર ખાય એને વા થાય, આવું મેં સંતોના મુખેથી સાંભળ્યું છે, હિન્દીમાં વાય ન હોય, પૂછી લો તમે હિન્દી વાળા। જે સ્ત્રી પોતાના પતિને ખવડાવવા વગર ખાય એ જ્યારે ઘરડી વૃદ્ધ થાય ત્યારે એને પગમાં વા થાય, જેને થયા હશે એ સમજી લેજો, શાકભાજી ખરીદવા ગયા છે પાણી પૂરી મારીને આવી છે, હા પછી રાતે શું કે મને ભૂખ નથી, ભૂખ કેમ નથી, તે પાણી પૂરી ને સેવ પૂરી અંદર છે,
और जो पुरुष अपनी पत्नी को खिलाए बिना होटल में खाकर आता है और कहते हैं आज भूख नहीं है, उस पुरुष को डायबिटीज होती है। એટલે હું શ્રાપ નથી આપતો, આ બધું છે એટલે કહું છું। પાંડવો કા પ્રકરણ સમાપ્ત હુઆ। યુધિષ્ઠિર કે પૌત્ર અર્જુન પુત્ર અભિમન્યુ ઓર ઉત્તરા કે ગર્ભ સે જિસ બાલક કા જન્મ હુઆ ઉનકી કથા। જબ પરીક્ષિત કા જન્મ હુઆ कुल गुरु कृपाचार्य ने भविष्यवाणी की, महाराज क्या बेटा पाया है, हैं? आपके कुल की ध्वजा लहराएगा, डंका बजाएगा आपके कुल में, क्योंकि यश दाता शरण यश यथा होशि निरशि भी, आपका बेटा बहुत बड़ा दाता होगा, बहुत बड़ा दानी होगा, शरणागत वत्सल होगा महाराज शिवि की तरह। और यश, यश की क्या बात करूं, यश विनीति नाम प्रादात, विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश त्रिभुवन में फैलाएगा। धन्य है आपका बेटा, महान होगा। महाराज परीक्षित बड़े हुए और युधिष्ठिर ने राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ, इरावती बोलू ना मन बो गमे, हमारी दीकरी नु नाम इरावती, तो राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ विवाह कराया। परीक्षित को चार बेटे हुए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम जनमेजय। पांडव चले गए, परीक्षित का राज तिलक हुआ। और एक समय की बात, महाराज परीक्षित वन में मिगड़ा करने गए, गर्मी का दिन था, बहुत प्यास लगी, कोई जलाशय नहीं मिला, समीक ऋषि का आश्रम था, वहां जाकर जल पीना चाहते थे, लेकिन समीक ऋषि ध्यान में थे। राजा ने सोचा वास्तव में ध्यान में है कि ध्यान का नाटक कर रहे हैं, यह देखने के। अब राजा समर्थ होते हैं, राजा को ये अधिकार होता है कि अपने राज्य में किसी की भी परीक्षा करे। मरा हुआ सर्प उठाकर उस ऋषि के गले में रखा, ध्यान में बैठे थे, बोले ये वास्तव में ध्यान है, जल पीकर चले गए। ये दृश्य किसी ने देखा और जाकर समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी को जाकर बताया, कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। और आप सब जानते हैं श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक के द्वारा मृत्यु होगी। दोष परीक्षित का भी नहीं है, दोष समीक ऋषि का भी नहीं है, दोष जो है ना वो बात यहां की बात वहां लेकर गया उसका है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि पहले चेक करे मरा हुआ है कि जीवित है। श्रृंगी को जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सांप। आजकल समाज में यही चल रहा है, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ जानते नहीं, लेकिन जानती हो फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, कोई ज्ञान नहीं। समाज की बहुत बड़ी करुणा है, चींटी की औकात नहीं और हाथी के ऊपर अपनी टिप्पणी करने बैठता है। सज्जन मानस तो कहीं ज न बोले, क्योंकि जो साधु होता है उसके पास शास्त्र होता है और शास्त्र का राज जिसको मिल गया, इसी में आगे कहते हैं पा गया जो राज, जिसको राज मिल गया वो चुप है खामोश है, अधूरा होए न ही छलकाए। बाकी जो ज्ञानी जो विद्वान जो शास्त्र को समझता है वो जुल्म पर खामोश होता है, लेकिन अनजान होकर भी क्या क्या कह दिया, कायद न जानता हो, कायद न जानता हो। मैं किस पॉइंट पर था, समाज को दूषित किया है यहां की बात वहां करने वालों ने। एक बात समझ लीजिए, कलयुग आता ही नहीं भक्तों, ये कलयुग में हम सतयुग में बैठे होते, हम सब लोग सत, क्योंकि ताकत थी कलयुग की कि परीक्षित के रहते कलयुग आए,
चक्रती सम्राट धर्मात्मा महाराज परीक्षित, उसके रहते कलयुग की औकात नहीं थी कि इस राज्य में आ सके। आज हम लोग सतयुग में बैठे होते, लेकिन यहाँ की बात वहां करने वाले ने ही कलयुग को निमंत्रण दे दिया। उस संस्था में, उस समाज में, उस कुटुंब में कलयुग आएगा जहां यहाँ की बात वहां होगी। और कोई कोई अनजान हो, कुछ जानते नहीं है, अब उसको पता होना चाहिए ना कि जीवित सांप था कि मरा हुआ। पहले ये चेक करो, किसने डाला, क्यों डाला, उद्देश्य क्या, वो श्रमिक मरा है कि नहीं, सीधा जाकर बता दिया। उस आदमी की तो गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसके बेटे की, श्रृंगी की, कि बिना सोचे समझे जाने निर्णय ले लिया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारा कलेजा कितना पतला है कि जिसके साथ हम 10 साल से रहते हैं और कोई 10 मिनट से हमारे साथ आया है और उसकी हमको 10 साल से जो हमारे साथ है उसकी 2-5 बात कर देंगे, 10 साल से हमारा जो अनुभव है उसे हम नहीं सोचेंगे, लेकिन वो थर्ड क्लास के आदमी की बातों को सुनकर हम निर्णय ले लेंगे। इसका अर्थ यह है कि हमको हमारे से ज्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा है, दूसरों के ऊपर भरोसा है। रामायण आपने सुना है ना, रामायण में रावण मरा, रावण मर गया कि नहीं, रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, बाली मरा, शूर्पणखा गई। रामायण में सब लोग मरे लेकिन मंथरा नहीं मरी। कभी किसी ने सुना मंथरा मरी, राम ने बाण मारा, मंथरा नहीं मरी। रामायणकार कहना चाहते हैं कि रावण का भय नहीं है कलयुग में, कलयुग में कुंभकर्ण का, मारीच का भय नहीं, कलयुग में एक ही व्यक्ति का भय है, वो है मंथरा का। क्योंकि बाकी सबको तो मेरे राम ने मार दिया, बची तो एक मंथरा, और मंथरा कहीं भी हो सकती है, आपकी बाजू में भी बैठी हो सकती है। अरे तमे लोग को हम दांत ना काटो, मंथरा 11 लाख वर्ष पहले थी, अब तो उसका समाज, उसके बेटे बेटी, उसका तो बहुत बड़ा समाज, पुरुष भी होंगे स्त्री भी होंगी। कहने का अर्थ यह है कि मंथरा वृत्ति से बचिएगा। उस दिन मंथरा की बात यदि कैकेयी ने नहीं सुनी होती ना, तो रामायण कुछ और होती, हम और आप किसी और की बातों में आ जाते हैं और हम निर्णय कर बैठते हैं हमारा पतन है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं वो हमको सुनाता है, किसी की इतनी ताकत कि आपको बिना वजह कोई सुना जाए, वो सुनाता नहीं है, आप सुनना चाहते हैं। कोई किसी में इतनी ताकत कि किसी के दोष आपको कोई सुना जाए, आपको दूसरों के दोष सुनने की इच्छा है। हरि नाम में उतनी आनंद नहीं है जितना दूसरों की निंदा सुनने में आनंद। मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज मुझे बता दीजिए, कोई व्यक्ति, आप प्रैक्टिकल बात है, कोई व्यक्ति किसी का दोष आपको क्यों सुना रहा है, मुझे बताइए। मैं मेरी बात करूं, मेरे में कोई दोष है और कोई आपको आकर मेरा दोष आपको क्यों कहना चाहता है, आपको कहने से क्या मैं सुधरूंगा? मेरा परिवर्तन तो मेरे गुरु को कहने से होगा, या मेरे सुप्रीम को, या मेरे मां बाप को, समाज में क्यों? क्योंकि ये वायरस उसके अंदर आ गया है, वो वायरस आपके अंदर डालना चाहता है। ये एड्स वाले चाहते हैं कि दूसरे को भी हो। जितने भी लोग दूसरों के दोष सुनाते हैं, समझो कि ये वायरस उसके अंदर आ गया है, वो खुद परेशान है, अब हमको भी परेशान करना चाहता है। ऐसे वायरस से दूर रहना, नहीं तो जीवन ब्रज वृंदावन में रहेंगे, धाम में आएंगे, लेकिन इन ऐसी वस्तुओं में फंसेंगे। आप ऐसा मत समझो धाम में आने से हमारा उद्धार होगा, धाम में पूतना भी आई थी, अघासुर भी आया था, कंस भी यहीं रहता था। धाम एक सपोर्ट करता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भजन तो हमें ही करना पड़ता है, भजन का ध्यान तो हमको ही रखना पड़ता है। श्रृंगी ने शराब दे दिया, श्रृंगी आकर देखा तो पिताजी जीवित थे,
रोने की आवाज सुनी। अब श्रृंगी साधु भी ऐसा परीक्षित आए तो समाधि नहीं खुली, बेटे की आवाज सुनी तो समाधि खुल गई। ये तो हालत है साधुओं की। बेटा क्या हुआ? मैंने शराब दे दिया। ध्यान करके देखा तो महाराज परीक्षित को शराब। पूरे एक अध्याय में समीक ऋषि का अफसोस प्रकट किया गया है। बहुत अफसोस किया, बेटा तूने बहुत गलत काम कर दिया, अनर्थ हो गया, तूने परीक्षित को शराब दिया। एटलीस्ट देखना तो था तू किसको शराब देने जा रहा है। अब तो इस सृष्टि पर धर्म नहीं रहेगा, ये तबाह हो जाएगी धरती। तुरंत अपने गौरमुख नाम के शिष्य को परीक्षित के पास भेजा, जाओ उसे कहो कि 7 दिन में मरने वाले हो, यदि मरने से बचना है तो उपाय कर लो। गौरमुख मुनि परीक्षित के पास पहुंचे, कहा महाराज आप 7 दिन में मरने वाले हो। ऋषि मुनियों ने पूछा कि परीक्षित ने जब सुना कि मुझे 7 दिन में मरना है तो परीक्षित को यह बात कैसी लगी? हमारे वहां तो कोई गाली भी देता है तो हमको कैसा लगता है? ये तो श्राप मिला था कि 7 दिन में मरने वाला है, परीक्षित को कैसा लगा? हरे कृष्ण।